प्यारे बच्चों और साथियों गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी एक कविता में कहा है कि व्हेन आई ब्रिंग टू यू कलर टॉयज माई चाइल्ड आई अंडरस्टैंड वाई दर इज सच ए प्ले ऑफ कलर्स ऑन क्लाउड्स ऑन वॉटर एंड वाई फ्लावर्स आर पेंटेड इन टिन्ड्स व्हेन आई गिव कलर टॉयच टू यू माई चाइल्ड यानी एक खिलौना बच्चों को खुशियों की अनंत दुनिया में ले जाता है खिलौना का एक एक रंग बच्चों के जीवन में कितने ही रंग बिखेरता है आज यहां इतने खिलौनों को देखकर यहां उपस्थित बच्चे जैसा महसूस कर रहे हैं वही अनुभव हम सबने भी अपने बचपन की यादों में संजो कर रखा है कागज के हवाई जहाज लट्टू कंचे पतंग सीटियां झूले कागज कागज के घूने झूले कागज कागज के घूने वाले पंखे गुड्डे वर गुडिया ऐसे कितने ही खिलौने हर बचपन के साथी रहे साइंस के कितने ही सिद्धांत कितनी ही बातें जैसे कि रोटेशन ऑसिलेशन, प्रेशर फिक्शन ये सब हम खिलौनों से खेलते हुए उन्हें बनाते हुए खुद ब खुद सीख जाते थे भारतीय खेल और खिलौनों की ये खूबी रही है कि उनमें ज्ञान होता है विज्ञान भी होता है मनोरंजन होता है और मनोविज्ञान भी होता है उदाहरण के तौर पर लट्टू को ही ले लीजिए जब बच्चे लट्टू से खेलना सीखते हैं तो लट्टू खेल खेल में ही उन्हें ग्रेविटी और बैलेंस का पार्ट पढ़ा जाता है वैसे ही गुलेल से खेलता बच्चा जाने अनजाने में पोटेंशियल से काइनेटिक एनर्जी के बारे में बेजिक सीखने लगता है पजल टॉय से रणनीतिक सोच और समस्या को सुलझाने की सोच विकसित होती है इसी तरह नवजात बच्चे भी झुन जुने और बाजे घुमा घुमाकर सर्कुलर मूवमेंट को महसूस करने लगते हैं आगे जाकर इन्हीं चीजों को जब उन्हें उनकी कक्षा में किताबों में पढ़ाया जाता है तो अपने खेल से उसे रिलेट कर पाते हैं प्रैक्टिकल एक्सपर्ट को समझ पाते हैं केवल कि किताबी ज्ञान से यह समझ नहीं समझ विकसित ही नहीं हो सकती है